गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो ये कर्फ्यू वाले दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हमारी हुई और फिर पूरा दिन हम लोग साफ सफाई में ही बिताया है आज। कुछ एक वीडियो जो है मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर कर चुकी थी और बाकी उससे आगे का फिर ये है। तो मशीन बाहर से उठा ली थी हमने, फिर उसके बाद ये वाला जो रूम है यहाँ की, क्योंकि बाहर वाले एरिया की फिर बाद में एंड में ही सफाई कर रही थी। और आज मैंने ना फिनाइल से सारे घर पे ये पोछा लगाया, मतलब सैनिटाइज किया है फिनाइल से। और कईयों को फिनाइल की स्मेल ना बहुत तीखी जैसी लगती है और कईयों को अच्छी लगती है और कीटाणुओं को भी बहुत बुरी लगती है, इसलिए फिर फाइनली ये फिनाइल ही फिर मैंने यूज़ किया। और हमारे घर में सबको अच्छी ही लगती है, मतलब किसी को एलर्जी या इस तरह की कोई समस्या है नहीं। तो कभी कभी मैं गर्मियों के दिनों में मोस्टली फिनाइल से ही पोछा करती हूँ। और बस फिर जैसा कि लगता है ना कि हाँ अब काफ़ी टाइम हो चुका है, लंच वंच का नहीं किया था अभी तक, नहाना धोना बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट से पोचे का ही इस्तेमाल किया। मॉप नहीं कर रही हूँ, मतलब खड़े होकर के। और फिर यहाँ पे ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंजेस भी कर देते हैं, तो इसलिए फिर सारा सामान जो मैट वगैरह थी वो निकाल ली थी, उसको भी धुलना था। और मैट के ऊपर ना पता नहीं कैसे डस्ट बहुत ज़्यादा इसके नीचे आ जाती है, उसी वजह से फिर कम से कम 2-3 दिन में तो उसको झाड़ना और धुलना फिर ज़रूरी हो ही जाता है। धूल तो थोड़ा हफ्ते भर के बाद ही धुलती हूँ। तो ये फिर ना ये एक पंद ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लोकल में, मैट जो होता है, तो ये शायद प्लास्टिक के कुछ इस तरह के मटेरियल के बनी हुई होती है। तो फिर मैंने सोचा, ये आजकल ही ली हुई थी, उस दिन फेरी वाले से ली थी, तो इसका यूज़ अभी तक किया नहीं था। और जब तक यूज़ करते नहीं है ना नई सी चीज़ की, तो तब तक लगा रहता है कि नहीं इसको भी एक बार चेक करना था कैसी लगेगी, क्या करना है, मतलब थोड़ा सा होता है। तो बस फिर पहले मैंने टेबल को इस तरह से लगाया हुआ था, अभी सोचा कि इसको दूसरी तरफ घुमा के लगा देती हूँ। तो साफ सफाई का काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद बच्चों को मैंने पहले नहला दिया था, उनको भेज दिया था कि धूप में अपने बाल सुखाओ। और उसके बाद फिर मैंने आज ना फर्स्ट वॉश के बाद सेकंड वाला वॉश है मेरे बालों का, तो ये मतलब आज खुद बाल अपने धुले। तो आज भी मुझे मतलब हेयर ब्रेकेज या झड़ने वाली समस्या कोई अभी तक तो हुई नहीं। तो बस अभी फिर मैं बालों को सुखा लूँगी, और मैं मोस्टली ना धूप में ही सुखाना पसंद करती हूँ, थोड़ा सा ड्रायर का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाती ड्रायर से। एक्चुअली अभी ना मेरा हेयर फॉल भी हो रहा ना अभी तक, मतलब आज मैंने फर्स्ट टाइम मतलब अपने आप वॉश किए बाल, और उससे पहले मैंने फर्स्ट वॉश वहीं पे लिया था। तो बस यार थोड़ी सी खुशी मिल जाती है ना, मतलब क्योंकि मैं बिना फ्लस्ट्रेट हो गई थी, फ्लस्ट्रेट क्या मतलब थोड़ा टेंशन में आ गई थी, आप लोग जितनी बातें लिख रहे थे तो फिर मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था कि हाँ चल अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, लेकिन फिर मतलब सबके सबसे ऐसी ऐसी बातें सुन रही हूँ, तो इस करके खा लगा रही। तो जी मिट्टू शानू नाई कर चुके हैं, पर इन्होंने अभी तक क्रीम नहीं लगाई थी, इसलिए अभी मिट्टू सब गंदा है। ये क्या किया, इसका ना मृदुल का मुंह बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। शानू शानवी का मूड में कोई भी ड्राई, अभी जल्दी से मैं भी टिक्कू बिंदु कर लेती हूँ ना, फिर करती हूँ आपसे बात बात। तो लो जी मेरा टिक्कू बिंदु हो गया, और बस अभी चलते हैं किचन की तरफ, कुछ खाने के लिए भी बनाते हैं अच्छा अच्छा, और मिलते हैं फिर आपसे भी। उसके बाद लंच के लिए मैंने भिगो के रखे हुए थे राजमा, तो वही बनाने की तैयारी चल रही है। दूसरे वाले गैस पे चावल डाल दिए पकने के लिए, राजमा में तड़का लगा रही हूँ, इनको बॉईल कर लिया था। तो तड़का लगाने के लिए ऑयल में जीरा धनिया ये अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज सब डाल दिया है, और इसके बाद फिर गरम मसाले सूखे मसाले हल्दी लाल मिर्च पाउडर
धनिया मिक्स मसाला और मेथी पाउडर। जब भी आप राजमा बनाते हो ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं अगर आप मेथी पाउडर डालते हो तो। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना होता है क्योंकि कड़वा भी होता है वो थोड़ा सा टेस्ट में, लेकिन अगर आप बिल्कुल हाफ जैसे चम्मच यूज़ करते हो तो कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता और खाना चाहिए, बेस्ट होता है ये। इसके अलावा फिर ये नमक सब ऐड कर लिया है, टमाटर ग्राइंड करके ही मैं यूज़ करती हूँ तो वो भी, और काली मिर्च डाल रही हूँ आजकल मैं सारी सब्जियों में, चाय में काली मिर्च और अदरक का थोड़ा सा ज़्यादा जोर रखा है मैंने, तो बोलते हैं कि इससे जो भी वायरल चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसे भी मौसम चेंज के साथ सर्दी जुकाम वाली समस्या हो ही जाती है तो उस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो अभी मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं, आलू डाल दिए हैं और पतिदेव भी साथ में ही हैं तो बीच बीच में कुछ एक चीज़ों में वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो बस जी अभी राजमा इसमें ऐड अप कर लेंगे। आज राजमा ना थोड़े से ज़्यादा कुक हो गए हैं क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी और इन्होंने भी गैस ऑफ नहीं किया तो एक एक दो सीटियाँ इनमें ज़्यादा लग गई हैं। और ये पहाड़ी राजमा है तो टेस्टी तो होते ही है चाहे से आप कोई ज़्यादा मसाले ना भी डालें। तो बस ये राजमा चावल हमारे कुक हो चुके हैं और आप भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। हो गई है, मैंने कहा चलो मैं भी तैयार हो जाता हूँ फटाफट। परिदेव की भी डेंटिंग पेंटिंग चालू है, मतलब कल इनको अच्छे से बाल बाल ठीक किए, अभी जरा फेस आप बोलते हो ना बोला की अपनी डेंटिंग पकड़ा नहीं है पकड़ा देखी चाव लेकिन कटिंग लगी यहाँ तो इसलिए देखो परिदेव के शौक तो देखिए देखो कहाँ कहाँ थ्रेडिंग करवाते हैं जेंट्स लोग। ठीक है प्रिकॉशन होना चाहिए तो वो रे ये है सबसे बड़ा हथियार कुछ नहीं है। मैं तो कोई खाती बर्बाद नहीं करता है। हाँ मैं खाती बर्बाद नहीं करती और परिदेव को डेंटिंग पेंटिंग की पड़ी हुई है वो बिजी है वहाँ पे और हम खा रहे हैं मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। किस किस को लगी थी भूख? मुझे तो पहले खाया था। इसके बाद लंच वंच करके थोड़ी सी देर रेस्ट हम लोगों ने किया, मतलब ऐसे ही गपशप की, मेरी वीडियो के एडिटिंग वगैरह मैंने किया जो बच गया था। और उसके बाद फिर ये हम लाए थे इस तरह के, ये पापड़ ही बोल सकते हो आप, तो ये गोलगप्पे की शेप में होते हैं। और फिर ये गोलगप्पा चैलेंज हमने किया था जिसे शेयर किया है परिदेव के चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। चीटिंग भी हुई है थोड़ी बहुत। तो चारों तरफ से ना मतलब बस घंटियों की आवाज़, शंख की आवाज़ और बर्तनों को बजाने की घंटियाँ, थालियाँ जो भी मतलब मिल जा रहा है ना तो वो सब बजाने की आवाज़ें आ रही है। इसके बाद फिर यहाँ पे बैठ के कुछ देर हमने गपशप की, बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह हम सब ने बैठ के मैं काट काट के रख रही थी और बच्चे हाथों हाथ खा भी रहे थे तो गपशप हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे थे और डैडी जी अपनी शंख की प्रैक्टिस में लगे हुए थे तो फिर वो भी आ गए बाहर हमारे साथ गपशप करने। तो चलिए आप भी सुन लीजिए क्या क्या गपशप हम यहाँ पे कर रहे थे बैठ के। बुरी शक्तियाँ चले गई हैं, भाग गई हैं, भगा दिया मिट्टू ने, मिट्टू ने भगा दिया बुरी शक्तियाँ, थालियाँ बजाओ जाके, जर्म्स खत्म कर दिए क्या सारी जगह पल्ली साइड और ली साइड हर जगह थालियाँ बजा बजा के शंख नहीं बजा नहीं था डैड के शंख नहीं बजा प्रैक्टिस करते रहेगी घर में बजाते हैं घर में शाम को बजाऊंगा
डैडी जब तक बजेगा नहीं तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे कि क्यों नहीं बजा क्यों नहीं बजा। अगर ये डैडी काल दस्ते हम दाना तो रात को प्रैक्टिस करने थी। चलो बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें भी होती हैं। तो ये बन गया है मेरा पोहा आज ब्रेकफास्ट के लिए ना, मतलब पोहा बनाया है और हरा धनिया, मतलब मार्केट कल बंद था सब कुछ इस वजह से गए नहीं थे कोई, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं ऐड अप किया, बस सिंपल सा ही जो भी था घर में वो मैंने इसमें ऐड किया था कर लिया। और बस जी अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हो जाओ मिट्टू राजा। तो पोहा लग चुका है और सब भी अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोग बिजी हो गए हैं खाने में, शान भी अपना पढ़ाई का काम कर रही है, डैडी जी ब्रश किए बिना कुछ खाते नहीं है तो ब्रश वो कर रहे हैं, तो बस इस तरह से मॉर्निंग रूटीन हमारी चल पड़ी है। तो मैंने बोला था ना कि ज़्यादा देर इतनी तो तेज़ी से दौड़ता है, इतने में तो ख़त्म ही है, तीन दिन जो और बड़ा बोल तेजी से नहीं दौड़ा करना, थोड़ा धीरे 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 आपस में ऐसे लड़ाई नहीं करते हैं, प्यार से रहना चाहिए। शानवी तूने ऐसा क्यों किया, इसको क्यों लगाई? मैंने लगाई है, मुझे भी लगाओ। तो तब लगाऊंगी ना मैं, देखो पहले जो जो बच्चे प्यार से रहेंगे आपस में। मैं तो प्यार से रहती हूं। प्यार से रहती है फिर ये कैसे बोल रहा है कि मुझे लगाया, ऐसे नहीं लगाया कर। ये मैंने अनियन ऑयल लगा रही हूँ इसके सिर में, अब तो ये ख़त्म हो गया, इसके अंदर मैंने जैतून का तेल डाल दिया है, लेकिन पहले अनियन ऑयल का था, मतलब जो ये पंप जैसा है इससे ना अप्लाई करने में बहुत इजी हो जाता है। हाँ तेल लगे कि डायरेक्ट आप लो पंप से, जितना करें आप क्वांटिटी, मतलब स्कैल्प पे अच्छी तरह से बालों को हटा हटा के लगा सकते हैं, तो ये वाली क्वालिटी है इसमें। और फिर बस एक बार मैंने लेके रखा हुआ है और जब जब ख़त्म होने लगता है तो मैं इसमें मिक्स वाला तेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा जैतून का, थोड़ा सा आलमंड ऑयल, मतलब इस तरह से जैसे मैंने एक बार आपको दिखाए भी थे ना 5 वेंट लाइफ एक्सपीरियंस पे, तो उस तरह से मैं बना करके डाल देती हूँ। हाँ जी, तो ये चल पड़ी है लंच की तैयारी। अभी ये मैंने डाले हुए थे छोले चने रात को भीगने के लिए, तो इसे बॉईल करने के लिए मैं डालूँगी, साथ में बस ये एक आलू मैंने ले लिया, इसे अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा थोड़ा छील के इसे भी मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि ग्रेवी थोड़ी ना अच्छी गाढ़ी जैसी बन जाती है और टेस्ट भी फिर आलू छोले का थोड़ा अलग आता है। तो बस इसे मैं अब बॉईल करने के लिए अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो मेरी चली हुई है लंच की तैयारी और डैडी जी देखो काम कर रहे हैं नीचे क्यारी में, यहाँ वहाँ जो झाड़ियाँ हैं उनको निकाल रहे हैं, और बीज अभी तक हमने इसमें बोए नहीं है, तो बस अभी जब तक खाना बनता है लंच वंच करके फिर आज यहाँ पे शाम के टाइम पे बीज बोएंगे हम लोग। और व्यू आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो ये देखिए मौसम साफ है, धूप लगी हुई है और इस तरह का व्यू है सामने का। तो बस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।